सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटी को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल मारुति सुजुकी ने न्यू डिजायर को मार्च 2020 में भारत में लॉन्च किया था, लेकिन अभी तक इसे बाजार में नहीं देखा गया था। अब पहली बार इस न्यू डिजायर फेसलिफ्ट को भारत ने मारुति सुजुकी की एक डीलरशिप यार्ड में देखा गया है। मारुति डिजायर पिछले कुछ वर्षों से देश की सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान रह चुकी है तथा भारतीय बाजार में राज कर रही है। भारत में मारुति सुजुकी डिजायर के नए अवतार में आने के बाद इसकी बिक्री और भी बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं तथा जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, न्यू मारुति डिजायर की कीमत भारतीय बाजार में 3 से 5 लाख रुपए के बीच शुरू होती है, जो कि टॉप मॉडल 8 लाख रुपए तक जाती है। कंपनी ने इसके सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध करवाया है, जो कि BS6 मानक की वजह से डीजल इंजन को बंद कर दिया है। इसमें आपको AMT विकल्प भी देखने को मिलेंगे और BS6 ऑप्शन। मार्च में इसे लाए जाने के बाद कोरोना संकट की वजह से देश भर में डीलरशिप बंद कर दिए गए थे, जिस वजह से इसकी डिलीवरी शुरू नहीं हो पाई थी। अब कल ही कंपनी ने अपने 600 डीलरशिप खोले तथा उत्पादन 12 मई से शुरू करने की जानकारियां सामने आई थी। इसके बाद नई मारुति डिजायर सड़कों पर देखने मिल सकती है। गाड़ी वाड़ी द्वारा तस्वीरें जारी देखने पर आप देख सकते हैं कि न्यू मारुति डिजायर कैसी लग रही है। हाल ही में खबर ये भी आ रही है कि मारुति अपनी न्यू जनरेशन आल्टो को भी भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। फिलहाल तो अभी देखना बाकी होगा कि इस गाड़ी की बिक्री क्या धमाल मचाती है भारतीय बाजार में। इस कार में नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प्स तथा न्यू फॉग लैम्प्स हाउसिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इंटीरियर में वुडन फिनिश, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, 3D लुक वाली सीट दी गई है। डिजायर फेसलिफ्ट में स्मार्ट प्लेस, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TFT मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले दी गई है। कंपनी ने इसमें 1.2 लीटर का ड्यूअल जेट VVT इंजन दिया है, जो कि 90 BHP का पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रदान करता है। इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ लाया गया है। कंपनी ने इस कार को 4 मैनुअल और 3 ऑटोमेटिक वेरिएंट में बाजार में उतारा है। इस कार में 2 नए रंग विकल्प भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अब ये पहले के मुकाबले और भी बेहतरीन हो गई है। हालांकि डीजल का उपलब्ध ना होने लोगों को जरूर थोड़ा खटकेगा, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये मारुति की न्यू जनरेशन डिजायर कैसी लगी? क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे? और ये भी बताएं कि आप आल्टो को इंतजार कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे मत जाएगा। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 750 लाइक का। जल्दी से 750 लाइक के टारगेट को पूरा करें। आपका 1 लाइक चैनल की बहुत मदद कर देता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिना लाइक करे मत जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।